हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टीचर्स हाइलैंड क्रीम एंड टीचर्स हाइलैंड क्रीम को। कंफ्यूज हो गए। एक तरफ है टीचर्स हाइलैंड क्रीम जो कि बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड है, और दूसरी तरफ है टीचर्स हाइलैंड क्रीम जो कि बॉटल्ड इन इंडिया है। यस, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसी विस्कीज़ के बारे में जो बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड होके डायरेक्टली आती हैं। बिकॉज ज़्यादातर जो आपको मिड रेंज की स्कॉच विस्कीज़ मिलती हैं, ब्लेंडेड स्कॉच, दे आर बॉटल्ड इन इंडिया, जैसे कि ये टीचर्स विस्की। बट कुछ विस्कीज़ ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली बॉटल्ड होकर इंडिया आती हैं, और कहा जाता है, ये मानना है लोगों का, कि जो विस्कीज़ डायरेक्टली बॉटल होकर इंडिया में आती हैं उनका टेस्ट थोड़ा बेटर होता है as compared to bottled in India whiskies। और आज हम इसे लाइव टेस्ट करेंगे। एक तरफ जैसे मैंने बताया टीचर्स विच इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, एंड दूसरी तरफ टीचर्स बॉटल्ड इन इंडिया, और जानेंगे कि क्या ये जो बिलीफ है ये एक मिथ है या फिर रियल। तो चलिए पोर कर लेते हैं पहले। दिस टीचर्स बॉटल जो कि बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड है, ये मैंने खरीदी थी कुछ टाइम पहले, और एक लीटर की बॉटल है ये। और ये टीचर्स का 180 ml की बॉटल है जो कि मैंने दिल्ली से खरीदी है, और ये बॉटल इन इंडिया है। नॉर्मली टीचर्स विस्की से हम एक्सपेक्ट करते हैं गुड अमाउंट ऑफ स्मोक विद अ बिट ऑफ हनी एंड फ्लोरल नोट्स। नॉर्मली जब मैं टीचर्स पीता हूँ इंडियन बॉटल्ड, ये नोट्स मुझे फील होते हैं, एंड आई पर्सनली फील दैट दिस इज़ अ गुड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो बजट ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ हैं। सो आई डू फील दैट टीचर्स इज़ considered to be one of the good ones। तो चलिए पहले nosing करते हैं, and let's do the nosing of Indian bottled teachers whiskey। Definitely a bit of graininess आ रही है मुझे, जो grain whiskey जैसे notes होते हैं। स्मोक जो है मुझे फील हो रहा है, बट काफ़ी हल्का फील हो रहा है। आई कैन फील द हनी। नॉट अ लॉट टू एक्सप्लोर, जो नोट्स आप जनरली टीचर्स विस्की से एक्सपेक्ट करते हैं वही मिल रहे हैं मुझे। लेट्स ट्राई दिस वन नाउ। एक बर्न सा फील हो रहा है मुझे इसमें, जो कि डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस वन। अगेन स्मोक फील कर पाना इतना आसान नहीं है, यू हैव टू रियली लुक फॉर द स्मोक, बट इट इज देयर। सरप्राइजिंगली जो ग्रेनीनेस मुझे इससे फील हो रही थी वो थोड़ी कम हो रही है मुझे। बट वेरी सिमिलर ऑन द नोज, यू कांट से कि दो अलग अलग विस्कीज हैं, एंड इवन जो कलर है आई कैन से कि ऑलमोस्ट सेम है दो विस्कीज का। इनफैक्ट आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली सेम, आई कांट रियली फाइंड एनी डिफरेंस इन द कलर। सो लेट्स गेट टू द टेस्टिंग देन। सो दिस टाइम आई विल स्टार्ट विद टीचर्स बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। गुड अमाउंट ऑफ स्मोक, स्वीट नोट्स भी आ रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक एंड पे। इट्स काइंड ऑफ अ स्वीट स्मोक, स्वीट पीट कह सकते हैं ऐसे हम। अ बिट ऑफ हनी,
काइंड ऑफ फ्रूटी नोट आ रहा है मुझे, मे बी बिट ऑफ पेयर, बिट ऑफ कैंडी बैक एंड पे, बट ये स्मोक जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नोट है इस विस्की में. लेट्स ट्राई द इंडियन बॉटल टीचर्स नाउ. ओके सो नाउ माय पैलेट इज क्लीन, लेट्स ट्राई इट. Very same, the same amount of smoke, maybe a bit less sweet, but एक चीज का difference मुझे feel हो रहा है. Let me try it one more time. So there is definitely a bit of difference. It's kind of a metallic note आ रहा है मुझे. It is possible because जब whiskey को ship करके लाया जाता है इंडिया में, so they don't actually come in barrels, जिसे हम barrels बोलते हैं, they actually come in metallic containers. So हो सकता है कि इतने time में metallic containers में रहने के बाद जो metallic taste है वो शायद मुझे फील हो रहा है इन दो विस्कीज में. इट्स नॉट दैट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट विस्की को टेस्ट कर रहा हूँ. दिस डस टेस्ट लाइक वेरी सिमिलर, वेरी क्लोज टू दिस टीचर्स, बट आई हैव टू से कि देर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी. इस विस्की में मुझे एक अनप्लेजेंट नोट आ रहा है जो मेटेलिक नोट्स आ रहे हैं. मे बी आपको नॉर्मली फील नहीं होगा, बट अगेन जब आप दो चीज़ों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो, देन इट्स मच मोर ईजियर टू मेक आउट कि क्या डिफरेंस है एंड विच वन इज़ बेटर. और अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछा जाए कि इन दो विस्कीज में से कौन सी प्रेफर करूँगा, आई विल से दैट आई विल प्रेफर द टीचर्स बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड. सो आई डोंट नो कि ये सेम केस और दूसरी विस्कीज में भी लागू होता है कि नहीं जो बॉटल इंडिया है, बट इन केस ऑफ टीचर्स आई हैव टू से that bottled in Scotland whiskey is better in quality. I wish मैं बोल सकता कि ये चीज़ myth है, क्योंकि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ, because that's what I believed in. But आज जब मैंने side by side comparison किया है इन दो whiskies का, I have to say that teachers bottled in Scotland is actually better. So if you get a chance, then do the same experiment. अगर आपके आपको मौका मिलता है टीचर्स बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड ट्राई करने का, तो ट्राई करिए, उसे कंपेयर करिए और बताइए अगर आपका जो रिज़ल्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं, वो सेम हैं मेरे रिज़ल्ट से. उसके अलावा और कौन सी ऐसी विस्की है जो आप चाहते हैं कि मैं कंपेयर करूँ. आई विल हैव टू सी कि उन विस्कीज़ के बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड या बॉटल्ड इन US वाले वेरियंट मिलते हैं नहीं, बिकॉज तभी कंपेरिजन कर पाऊँगा मैं. बट अगर आपको लगता है आपको कोई दिखी है ऐसी विस्की जो ओरिजिन सोर्स पर बॉटल होकर आई है, देन लेट मी नो, आई विल ट्राई कि मैं वो लेकर आऊँ और कंपेरिजन करूँ इंडिया बॉटल के साथ. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, टीचर्स बॉटल्ड इन इंडिया वर्सेज टीचर्स बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड. कैसा लगा है आपको बताइए कमेंट्स में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.